तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन का भाग 18। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इस आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने 17 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा इस चैप्टर का आखिरी भाग है। तो इसमें हम पूरे चैप्टर का सारांश देखेंगे और एक ऐतिहासिक टिप्पणी भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें हम रैखिक प्रोग्रामन की जो जो बिंदु पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट थी। यह भाग आप समझ लीजिए पूरे चैप्टर की समरी है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक एक बिंदु को शायद अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो एक सेकंड में पेन ले लूँ। ओके, तो सबसे पहले बिंदु को देखते हैं। तो एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या वह समस्या है जो कई चरों के रैखिक फलन के इष्टतम मान, अधिकतम या न्यूनतम को ज्ञात करने से संबंधित फलन को उद्देश्य फलन कहते हैं। जब प्रतिबंध यह हो कि चर स्थिरता हो और रैखिक असमीकरण हो, जिसको रैखिक व्यवरोध भी कहते हैं, को तो संतुष्ट करते हो। चरों को कभी कभी निर्णायक चर भी कहते हैं और स्थिर चर भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास एक्स और वाई से मिलाकर कोई भी समीकरण व असमीकरण दिए हों, जिन्हें हम व्यवरोध भी कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो भी हमें रैखिक फलन दिया गया है, मतलब जो भी हमें उद्देश्य फलन दिया गया है, उसका उन्हीं व्यवरोध के अंदर हमें उसका अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करना है। और इसी अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करने की विधि को हम रैखिक प्रोग्रामन समस्या कहते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण रैखिक प्रोग्रामन समस्या निम्नलिखित है। तो हमें कुछ महत्वपूर्ण रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, देख सकते हैं। तो इसमें अगला बिंदु हमें दिया गया है, सभी व्यवरोधों और स्थिरता व्यवरोधों। स्थिरता क्या होते हैं? जो कि 0 से कम नहीं होते। ठीक है, तो x 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, और y 0 से बड़ा है और उसके बराबर है, द्वारा निर्धारित उभयनिष्ठ क्षेत्र एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत क्षेत्र या हल समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लो मैंने माना x 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, y 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। सबसे पहले आप बताइए x 0 के बराबर कब होगा? x 0 के बराबर होगा y अक्ष पर, तो यह रहा हमारा y अक्ष। अब उससे बड़ा कब होगा? जब हम उसके सीधी साइड जाएंगे, मतलब कि जब हम उसके दाई साइड जाएंगे तो यह 0 से बड़ा होगा। ऐसे ही बाई 0 से बड़ा कब होगा? बाई 0 से बड़ा होगा जब हम एक्स अक्ष के ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर बाई का मान 0 होता है। ठीक है, तो अब देख लिए, यहाँ पर दिखाया गया कि रैखिक प्रोग्राम समस्या का सुसंगत क्षेत्र या हल समस्या कहलाता है। तो इसके ऊपर का जो भी क्षेत्र है वह ही हमारा सुसंगत या फिर रेखांकित क्षेत्र कहलाएगा। मतलब कि हम इसके नीचे का रेखांकित क्षेत्र नहीं ले सकते, यही हमारा सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब अगली बिंदु देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है, सुसंगत क्षेत्र के अतः भाग के तथा सीमांत बिंदु व्यवरोधों के सुसंगत हलों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सुसंगत क्षेत्र है, जो भी हमें सुसंगत क्षेत्र निकला है उसकी सीमांत बिंदु हम कह सकते हैं कोणीय बिंदु। मान लो मेरे पास सुसंगत क्षेत्र जो भी निकला उसकी जो भी कोणीय बिंदु है, चलिए मैं इसे इसकी मदद से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास इस सुसंगत क्षेत्र है, इस सुसंगत क्षेत्र है और मेरे पास 4 1 2 3 4, ये 4 व्यवरोधों से घिरा हुआ है। पहला व्यवरोध है 5x + 22 के बराबर है। दूसरा व्यवरोध है x + 22 60 के बराबर है। यह मैंने यह जो भी डायग्राम या फिर जो भी चित्र है मैंने आपके पुराने उदाहरण में से लिया हुआ है, तो यह आपको बहुत ही देखा देखा लग रहा होगा। ठीक है, तीसरा व्यवरोध है x 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, और y 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। जैसे 4 व्यवरोधों को हमने एक ही ग्राफ पर प्लॉट किया, हमें कुछ सुसंगत क्षेत्र मिल गया है। तो जो भी सुसंगत क्षेत्र मिला है उनकी जे कोणीय बिंदु को आप देख सकते हैं, जैसे ए बी सी और ओ, इन्हीं चारों कोणीय बिंदु पर हम उद्देश्य फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो वही दिया गया है कि सुसंगत चित्र के अतः भाग के समा तथा सीमांत बिंदु व्यवरोधों के सुसंगत हलों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो भी बिंदु है, जितना भी आप सुसंगत चित्र के अंदर बिंदु देख सकते हैं, यही हमारा
संगत हलों को पिता से करते हैं। संगत छेद के बाह्य भाग किसी भी बिंदु को असंगत हल कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई ए बिंदु लिया 0,100, इस बिंदु को हम 0,6 कह सकते हैं क्योंकि 0 x x = 0 यह बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है, तो यह संगत हल के बाहर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसे यह बिंदु असंगत हल है। ठीक है, अगली बिंदु देखते हैं जिसमें हम दिया गया है संगत क्षेत्र पर कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान अधिकतम या न्यूनतम 1 देता है तो उसे इष्टतम हल कहते हैं। मान लो मैंने देखा ये 4 बिंदु, कोई भी बिंदु अगर हम इस संगत क्षेत्र के अंदर ले लें और अगर वह बिंदु अधिकतम या फिर न्यूनतम मान उस उद्देश्य फलन का देती है, जो भी हमें उद्देश्य फलन मिला है उस उद्देश्य फलन का अधिकतम या फिर न्यूनतम मान इसी संगत क्षेत्र के अंदर ही आएगा, तो अगर वह आता है तो उसे हम इष्टतम हल कहते हैं। ठीक है, दोनों अधिकतम और न्यूनतम को मिलाकर। ठीक है, अब अगली बिंदु देखते हैं। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रमेय रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने के लिए आधारभूत महत्व है। ठीक है, तो इसमें हमें 2 प्रमेय दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो प्रमेय ए, माना कि आर एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए सुसंगत क्षेत्र उच्चल बहुभुज है। ठीक है, तो आर मैंने जो भी सुसंगत क्षेत्र है इसको मैंने आर मान लिया है। ठीक है, तो समझ लिया, हम इसे आर मान लेते हैं और अब इसको देखते हैं। और माना कि जेड बराबर ax + by उद्देश्य फलन है। ठीक है, तो हमें एक उद्देश्य फलन में दिया गया है जेड बराबर ax + by। ठीक है, जब जेड एक इष्टतम मान अधिकतम या फिर न्यूनतम देता है। ठीक है, तो जेड का हमें मान लो कोई भी बिंदु, जैसे हमें आपको अभी तक जितने लेक्चर आपने देख लिए इससे पता तो चल ही गया होगा कि कोणीय बिंदु पर ही हम जेड का अधिकतम या फिर न्यूनतम मान निकालते हैं। तो मान लो कोई भी बिंदु जो कि जेड हमारा उद्देश्य फलन दिया गया है उसका न्यूनतम या फिर अधिकतम मान देता है, जहाँ रैखिक असमीकरण ने चरों एक्स और वाई द्वारा व्यवरोधों के रूप में वर्णित है। देखिए, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें व्यवरोध दिए गए हैं उसके अंदर कोई भी बिंदु है, जैसे हमें यहाँ पर जो भी व्यवरोध दिए गए थे उसके अंदर हमने सुसंगत क्षेत्र मान लिया, अगर इसके अंदर कोई भी बिंदु, इस सुसंगत क्षेत्र के अंदर कोई भी बिंदु हमें उद्देश्य फलन का अधिकतम या फिर न्यूनतम मान देती है, तो आगे देखते हैं। तो वह इष्टतम मान सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु शीर्ष पर ही होना चाहिए। इसका मतलब देखिए, आप समझ ही गए होंगे कि वह कोणीय बिंदु पर ही होगा, वह सुसंगत क्षेत्र के किसी और बिंदु पर नहीं हो सकता कोणीय बिंदु के अलावा। जैसे मान लो यहाँ पर मुझे जेड का जेड दिया गया है 250x + 75y, तो जब हम इसका अधिकतम या फिर न्यूनतम मान निकालेंगे वह कोणीय बिंदु पर ही आने वाला है। इतना आप समझ जाइए। देखिए, ए बी सी डी, जब आप चारों बिंदुओं पर आप जेड का मान खुद ही निकाल के देख लीजिए, वह कोणीय बिंदु पर ही आएगा। सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम मान कोणीय बिंदु पर ही आने वाला है, यह आप दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, अब हम प्रमेय 2 को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है माना कि आर एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए सुसंगत क्षेत्र, ठीक है, उज्ज्वल बहुभुज है, और माना कि जेड बराबर ax + by उद्देश्य फलन है। ठीक है, हमें उद्देश्य फलन फिर से दिया गया है जो कि ax + by, ए और बी कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने जेड बराबर माना 3x + 4y, तो ए की मान 3 हो गया और बी का मान 4 हो गया। ठीक है, तो यह हमारा उद्देश्य फलन है। जब यदि आर परिबद्ध है, आर परिबद्ध है मतलब आर चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए। तो आर जब चारों तरफ से घिरा होगा मतलब कि उसमें कोणीय बिंदु होगी और वह किसी भी साइड से खुला नहीं होगा, तो तब उद्देश्य फलन आर में एक अधिकतम और एक न्यूनतम दोनों ही देता है। तो आप देखेंगे कि इस उद्देश्य फलन के जो भी रेखांकित क्षेत्र है उसकी किसी ना किसी बिंदु पर अधिकतम या न्यूनतम मान आने वाला है। यह आपको पता ही होगा कि वह कोणीय बिंदु पर ही आएगा, जो कि हमने प्रमेय 1 में देख लिया है। तो और इसमें प्रत्येक बिंदु आर के कोणीय बिंदु शीर्ष पर ही स्थित होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक बिंदु आर के कोणीय बिंदु जो भी है हमारे पास ए बी सी और ओ, यानी कि कोणीय बिंदु पर ही इसका न्यूनतम और अधिकतम मान प्राप्त होगा। चलिए, तो हमने प्रमेय 1 और प्रमेय 2 भी देख लिया, अब आगे के बिंदुओं को देखते हैं। तो आगे हमें दिया गया है कोणीय बिंदु विधि। कोणीय बिंदु विधि की मदद से हम इसका अधिकतम या न्यूनतम मान कैसे निकालते थे। तो एक रैखिक समस्या को हल करने के लिए यह विधि
निम्न पदों में क्रियान्वित की जाती है, तो हमें कुछ स्टेप्स में यह विधि दी गई है। तो सबसे पहले रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सुसंगत क्षेत्र को ज्ञात कीजिए तथा इसके कोणीय बिंदु शीर्षों को ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको पहले इससे भी पहले बताऊंगा कि सुसंगत क्षेत्र को ज्ञात हम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ भी, जैसे यहाँ पर दिया गया है कुछ भी व्यय अवरोध दिए गए हैं, जैसे एक्स जोड़ बाई 60 के बराबर है, 5x जोड़ बाई 100 के बराबर है, और एक्स और बाई 0 से बड़े हैं या फिर उसके बराबर हैं। हमें जो भी व्यय अवरोध दिए गए हैं इनकी मदद से हम एक ही ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और उसके अंदर हम सुसंगत क्षेत्र निकालेंगे। जब भी वहां सुसंगत क्षेत्र निकल आ जाएगा हम उनकी उसकी कोणीय बिंदु को निकाल लेंगे। मैंने मान लो पूरी कोणीय बिंदु निकाल ली, ठीक है। अब हम दूसरी स्टेप की तरफ आएंगे। दूसरी स्टेप क्या है, प्रत्येक कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन जेड बराबर ax जोड़ by का मान ज्ञात कीजिए। अब मैंने सभी कोणीय बिंदु पर जेड का मान प्राप्त किया, ठीक है। तो मान लीजिए इन बिंदु पर अधिकतम और न्यूनतम मान क्रमांक M तथा m है। तो मान लीजिए जो भी उसका अधिकतम मान आया वह M है, और जो भी उसका न्यूनतम मान आया वह m है, ठीक है। यदि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है तो m और m क्रमांक उद्देश्य फलन के अधिकतम तथा न्यूनतम मान है। तो यहाँ से आप इतना समझ गए होंगे कि जब हम रेखांकित क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र के अंदर मान निकालते हैं और उसकी कोणीय बिंदु पर उसका अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं, तो अगर वह क्षेत्र परिबद्ध है मतलब कि चारों तरफ से घिरा हुआ है तो ही हम वह उसका न्यूनतम और अधिकतम मान मानेंगे, वरना हम उसके न्यूनतम और अधिकतम मान को नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि यदि सुसंगत चित्र अपरिबद्ध होता है तब हम क्या करते हैं, तो इसको भी हम दो स्टेप्स में देखेंगे। तो उद्देश्य फलन कैपिटल M जो कि हमें बड़ा M दिया गया है, उसका अधिकतम मान यदि ax जोड़ by b by उससे बड़ा, अगर हम देखेंगे ax जोड़ by, यह हमारा उद्देश्य फलन है, इसका मान m से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम मैंने ऐसी इक्वेशन बना ली है कि द्वारा निर्धारित खुला अवतल सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं रखता है, अन्यथा उद्देश्य फलन का अधिकतम मान नहीं है। अब जैसे मैंने यह बिंदु बनाई, यह इक्वेशन बना ली है ax जोड़ by जो कि m से बड़ा है, मैंने मान लो से ग्राफ पर प्लॉट किया। यह बिंदु, यह लाइन जा रही है यहाँ से सीधे सीधे, मतलब कि यह सुसंगत क्षेत्र को कहीं भी विभाजित नहीं कर रही, सुसंगत क्षेत्र के अंदर से नहीं जा रही है, तो हम इसके जो भी बड़ा एम दिया गया था उसको इसका अधिकतम मान मान लेंगे। लेकिन अगर वह उसके साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु रखता है, मतलब कि उसके अंदर किसी, मान लो ऐसी लाइन गई, मतलब कि और ऐसी लाइन गई, ऐसी लाइन गई, मतलब कोई भी बिंदु अगर उसके साथ आती है तो भय उसका अधिकतम मान नहीं होगा, ऐसे ही हमारा न्यूनतम मान भी निकलेगा। न्यूनतम मान के लिए हमें दिया गया है उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान m है, ठीक है। यदि ax जोड़ by m है तो द्वारा निर्धारित खुला अवतल और सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि ax जोड़ by जो कि m है, एम के छोटा एम से कम कर दिया है, मतलब एम के बराबर ही कर दिया है, अगर मैंने यह लाइन मान लो ग्राफ प्लॉट की और अगर वह सुसंगत क्षेत्र से नहीं जा रही है, सुसंगत क्षेत्र से उभयनिष्ठ नहीं है वह बिंदु, तो हम उसका उद्देश्य फलन को न्यूनतम मान लेंगे, वरना उद्देश्य फलन का कोई न्यूनतम मान नहीं है। ऐसे ही अगर उसका अधिकतम या फिर उसके न्यूनतम कोई कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है तो वह उसका न्यूनतम और अधिकतम मान नहीं होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे देखेंगे, देखिए मान लो मेरे पास बड़ा एम है, देखिए यह एक क्षेत्र है जो कि परिबद्ध नहीं, ठीक है, इतना हम समझ गए होंगे। हमारे देखिए यहाँ पर उद्देश्य फलन की इक्वेशन दी गई है -का 5x जोड़ 2y जो कि -30 के बराबर है। यह हमारे बीच में, मतलब बीच में बिल्कुल रेखांकित क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र के बीच से जा रही है, मतलब आप इतना समझ गए होंगे कि इसका कोई भी अधिकतम मान नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मैं इसको इसके न्यूनतम मान के बराबर कर दूं, अगर वह भी इसके बीच से जाएगा, आप किसी कहीं से भी जा रहा है तो वह उसका भी न्यूनतम मान नहीं होने वाला। लेकिन अगर वह किसी एक बिंदु को छू कर जाता है या फिर इसके अंदर से नहीं जाता तो उसका न्यूनतम और अधिकतम मान हो सकता था, ठीक है। अब हम इसे आगे देखते हैं। तो यदि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है तब अधिकतम या फिर न्यूनतम अस्तित्व में नहीं भी हो सकता,
ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सुसंगच्छेद मालवीय अपरिवद्ध सुसंगच्छेद है, तो इसका न्यूनतम अधिकतम मान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है, कैसे हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। अगर वह बिंदु जिस बिंदु पर हमने न्यूनतम मान निकाला है उससे जो भी हमारा जेड का मान आया और उससे जो भी इक्वेशन बनी, अगर वह बिंदु अपरिवद्ध नहीं है, मतलब कि उससे जो भी इक्वेशन बनी, वह बिंदु वह इक्वेशन हमारी रेखांकित छेद या सुसंगत छेद के अंदर से नहीं जा रही है, अगर नहीं जा रही है तो उसका अधिकतम मान होगा और न्यूनतम मान भी होगा। लेकिन अगर वह बिंदु संगत छेद के अंदर से जा रही है तो उसका न्यूनतम और अधिकतम मान नहीं होगा। ठीक है, इतना आप सीधा सीधा समझ लीजिए। अगली बिंदु देखते हैं। यदि सुसंगत छेद के दो कोणीय बिंदु पर इष्टतम मान एक ही प्रकार का है, अर्थात दोनों वही अधिकतम या फिर न्यूनतम मान प्रदान करते हैं, तब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के किसी भी बिंदु पर उसी का मान इष्टतम हल है। आप ऐसे समझिए, ठीक है। इससे मान लो मैं बिंदु लूं बी और बिंदु ए, इस पर जेड का मान बराबर आ गया। बिंदु बी पर जेड का मान आ गया 100, बिंदु ए पर भी जेड का मान आ गया 100। इससे आप देख सकते हैं दो बिंदुओं पर जेड का मान एक बराबर आ गया है। तो अगर मैं लाइन रेखांक लाइन लूंगा ए से लेकर बी तक और इस पर कोई भी बिंदु ले लूं, वहां पे जेड का मान 100 ही आने वाला है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई दो बिंदुओं पर जेड का मान अधिकतम या फिर जेड का मान न्यूनतम आ गया तो उस पूरी रेखा पर पूरी लाइन पर उसका मान एक ही रहेगा। ठीक है, मतलब उसका मान न्यूनतम ही रहेगा या फिर उसका मान अधिकतम ही रहेगा। ठीक है, इस आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक टिप्पणी। ऐतिहासिक टिप्पणी से पहले मैं आपको बता दूं, आपको यह जिस जिसमें हमें अपरिबद्ध क्षेत्र मतलब कि अपरिबद्ध क्षेत्र नहीं दिया होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा बच्चों को लगने लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। आपको बस क्या करना है, आखिर में आपको देखना है कि क्षेत्र अपरिबद्ध नहीं है और उसकी सीधी सीधी इक्वेशन हमें ग्राफ पर बना देनी है, और अगर वह कट कर रही है तो उसका अधिकतम या फिर न्यूनतम मान नहीं है, और अगर वह कट नहीं कर रही है तो उसका अधिकतम और न्यूनतम मान है। तो इस क्वेश्चन को मैंने दो क्वेश्चन शायद या फिर तीन क्वेश्चन इस प्रकार के करवा चुके हैं, मैं ऐसे उदाहरण करवाया है मैंने, तो आप उन्हें जरूर करके दो तीन बार जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने मैंने जितने भी वीडियो बनाई है आपने सभी उदाहरण एक एक बार उससे करके जरूर देखे हैं। एक एक उदाहरण मुझसे मैंने जो जो भी एक एक उदाहरण करवाए हैं आप खुद से करके जरूर देखिएगा। ठीक है, और आपका इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप एग्जाम में आप परीक्षा में इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करने वाले हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ऐतिहासिक टिप्पणी। तो इसमें देखेंगे कि हम रैखिक ऐतिहासिक टिप्पणी में हम देखेंगे रैखिक रैखिक प्रोग्रामन कैसे एक ऐतिहासिक जगह पर प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, या फिर उसे हम द्वितीय विश्व युद्ध में जब युद्ध संचालन की योजना बनी, ठीक है, जिससे कि शत्रुओं को न्यूनतम व्यय पर अधिकतम हानि पहुंचे, मतलब कि कम से कम पैसा खर्च हो और शत्रु को अधिक से अधिक हानि पहुंचे, रैखिक प्रोग्रामिंग विधि अस्तित्व में आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रैखिक प्रोग्रामिंग विधि यूज की गई। जैसे आप देखते हैं कि कम से कम पैसों में हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमाना है, यह हमने देखा है। तो रैखिक प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में पृथक प्रोग्रामिंग का सूत्रपात रूसी गणितज्ञ एल कैंजारो बिच थे, उन्होंने यूज किया था, तथा अमेरिका अर्थशास्त्री एफ एल हिचकॉक ने 1941 में किए। ठीक है, दोनों ने स्वतंत्र रूप में काम किया। ठीक है, दोनों अपना अपना काम करते रहे। तो इस प्रोग्रामन में को परिवहन समस्या के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसमें हमें परिवहन समस्या, परिवहन मतलब क्या होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह किसी वस्तु को ले जाते हैं उसी हमें उसे को हम परिवहन समस्या कहते हैं। तो सन 1945 में अंग्रेज अर्थशास्त्री जी स्टिगलर ने रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के अंतर्गत इष्टतम आहार संबंधी समस्या का वर्णन किया। ठीक है,
तो इस यहाँ पर हमने आहार संबंधी समस्या का भी उन्होंने प्रयोग किया था। देख लीजिए, मैंने जितनी भी तरह की उदाहरण में रैखिक संबंधी समस्याएं बताई थी उनका प्रयोग आखिर में किया ही गया है, कहीं ना कहीं किया ही जाता है। आप देख लीजिए रैखिक प्रोग्रामिंग अपने असल जिंदगी में कितना प्रयोग है आता है। तो सन 1947 में जी.वी. डेंजिंग ने एक दक्षिणा पूर्व विधि से जो सिल्पलेक्स विधि के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, तो उसे सिल्पलेक्स विधि के नाम से प्रसिद्ध है एक विधि सुझाव दिया जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को सीमित प्रक्रियाओं में हल करने में सशक्त विधि है। तो यहाँ पर हमें कुछ व्यवरोध दिए गए होंगे और हमें एक उद्देश्य फलन दिया गया होगा जिन्हें उन्होंने न्यूनतम या फिर अधिकतम किया अपनी जरूरत के हिसाब से, और वहां पर रैखिक प्रोग्रामिंग का उपयोग किया। ठीक है, तो रैखिक प्रोग्रामिंग विधि पर प्रारंभिक कार्य करने के कारण सन 1975 में एल कैटरोविच और अमेरिकन गणितीय अर्थशास्त्री टी सी कूपमैन्स को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो उन्होंने जब रैखिक प्रोग्रामन का प्रयोग किया था तो बाद में यह इतना असरदार साबित हुआ कि उन्हें आखिर में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। आप देख लीजिए कि रैखिक प्रोग्रामन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर अपनी असल जिंदगी में कितना प्रयोग किया जाता है, कितने बड़े बड़े काम के लिए हम कर सकते हैं। तो परिकलन तथा आवश्यक सॉफ्टवेयर के आगमन के साथ कई क्षेत्रों की जटिल समस्याओं में रैखिक प्रोग्रामिंग प्रविधि के अनुप्रयोग में उत्तेजक वृद्धि हो रही है। तो आप देख लीजिए जितने भी सॉफ्टवेयर और नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है वहां पर हमारा रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का उपयोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को अपने जो भी उसका सकल लाभ होगा, जो भी उन्हें लाभ मिलेगा वो उन्हें अधिकतम से अधिकतम करना ही है। सब अपने लाभों को अधिकतम से अधिकतम करना चाहते हैं और अपने व्यय मतलब जितना भी पैसा उन्हें कितनी चीज बनाने में खर्च हो रहा है उसे वो सबसे कम करना चाहेंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो अब मैंने आपको रैखिक प्रोग्रामन का ऐतिहासिक में कैसे यूज हुआ और असल जिंदगी में कैसे यूज करते हैं ये भी समझा दिया, और मैंने एक एक बिंदु करके ये भी समझा दिया कि रैखिक प्रोग्रामन समझ लीजिए कि इस लेक्चर में जितना भी हम लोगों ने अभी तक 17 भाग तक कवर किया था सबका ऊपर ऊपर से छूकर हम आ गए हैं। ठीक है, तो एक बार इन बिंदुओं को आप खुद से जरूर करके देखिएगा, मतलब खुद से 2-3 बार जरूर पढ़िएगा और मैं आशा करूंगा कि आप ग्राफ बहुत सारे करेंगे। ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब में आपको ग्राफ बिना देखे खुद से जरूर प्लॉट करके देखना है। ठीक है, जैसे ही आप खुद से प्लॉट करते जाएंगे आपको आप सोच रहे होंगे परीक्षा में मैं सीधा कर लूंगा, तो परीक्षा में पता है दिक्कत क्या आती है, आप जब पहली बार करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, आपका मतलब हो सकता है कि आप कुछ गलत भी कर दें, तो आपको उसी टाइम को कम करना है और आप कुछ अलग क्वेश्चन लगाओगे, क्योंकि आप जब इस बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करके देख लोगे बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लोगे तो आपको लगेगा कि जिस क्वेश्चन में मुझे 10 मिनट लग रहे थे वो मैंने 3-4 मिनट में ही कर दिया, तो इस मैं जो भी टाइम समय बचा लिया है वह आप बाकी क्वेश्चन में दे पाओगे। तो यह बहुत ही सरल चैप्टर है और यहाँ पे क्वेश्चन पे अक्सर बच्चों को पूरे नंबर मिल ही जाते हैं। तो यह हमारा आज का आखिरी भाग था, तो इसमें आज हम सारांश कंप्लीट कर चुके हैं और एक ऐतिहासिक टिप्पणी भी पढ़ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये जो भी हमने देखे प्रोग्रामिंग को खत्म किया है पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, यह आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब फिर किसी दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, धन्यवाद।